My friends, greetings in the name of the Lord Jesus Christ. मेरे मित्रों, आज की सुबह आप सबका अभिवादन और स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के नाम में. And this is Passion Week. This is called Passion Week. और मेरे मित्रों, अगर आपको याद हो, इस हफ्ते को हम जनूनी सप्ताह या Passion Week के रूप में भी मनाते हैं. It's all about Jesus as he spends his last week of life here on earth. और ये सिर्फ यीशु के बारे में है कि कैसे वो अपना जीवन का अंतिम सप्ताह इस पृथ्वी पर बिताता है. A week that leads to the Resurrection Sunday. और वो हफ्ता जो पुनरुत्थान के रविवार की ओर हमें ले जाता है. What is man's greatest need? और मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? Man's greatest need is not healing. और याद रखिए, मनुष्य की सबसे बड़ी जरूरत चंगाई नहीं. Then he could have sent a doctor. क्योंकि अगर ऐसा होता तो परमेश्वर एक वैद्य को या डॉक्टर को भेज देता. It's not technology. और कोई टेक्नोलॉजी भी उसकी सबसे बड़ी आवश्यकता नहीं. He could have sent an expert technical man. या वो किसी वैज्ञानिक या साइंटिस्ट को भेज देता. It is not the need of philosophy. या कोई तर्क वितर्क करने का ज्ञान का आवश्यकता नहीं. He could have sent a philosopher. क्योंकि वो एक तर्क वितर्क करने वाले को भेज देता. What is greatest need of man? और मनुष्य की सबसे महान आवश्यकता या जरूरत क्या है? Salvation. उद्धार. Through forgiveness of sin. जो हमें मिलता है माश पापों की क्षमा के. And therefore, God sent us a savior. और इसलिए परमेश्वर ने एक उद्धारकर्ता को हमारे लिए भेजा. His name was Jesus Christ. उसका नाम है यीशु मसीह. And so the Lord bless you this morning as you listen to this meditation. परमेश्वर का आशीष आप सबके ऊपर हो, जैसे कि आज की सुबह आप इस मनन को सुनते हैं. You know, man has three basic greatest needs. और मनुष्य के पास सबसे बड़ी तीन आवश्यकताएं या जरूरत हैं. Which are met or answered by the Lord Jesus Christ. जिनको प्रभु यीशु मसीह ही जिनका उत्तर दे सकता है और पूरा कर सकता है. Do you know your own need? क्या आप अपनी जरूरत को पहचानते हैं? So let me mention, let us meditate together this morning the first basic need of man. और इसलिए आज की सुबह आइए हम मिलकर इस मनन को करेंगे कि पहली ऐसी कौन सी सबसे मुख्य आवश्यकता है मनुष्य की. It is this. ये है. There is within man a strong desire to know God. मनुष्य के भीतर एक बहुत ही गहरा और मजबूत इच्छा है कि वो परमेश्वर को जाने. And it is this desire that prompts him to ask these questions. और यही वो इच्छा है जो मनुष्य को मजबूर करती है कि वो इस प्रकार के प्रश्नों को पूछे. What is God like? कि परमेश्वर कैसा है? What is his character? उसका चरित्र कैसा है? And what can man expect of him? और मनुष्य उससे क्या आशा लगा सकता है? And what does God expect of man? अब परमेश्वर मनुष्य से क्या आशा लगा सकता है? Now man wants to worship God. और मनुष्य तो परमेश्वर की स्तुति करना चाहता है. But he struggles with these questions. लेकिन इन सवालों के साथ वो एक लड़ाई को लड़ रहा है. And to add to his struggle to find answers. और उसकी इस दुविधा को बढ़ाने के लिए. Find answers to these questions. और इस सवालों के प्रति उत्तरों को जानने के लिए. He is confused. और वो तो उसके समझ में कुछ नहीं आता. How? कैसे? Not because he doesn't know. There are so many religions. क्योंकि कई सारे धर्म मौजूद हैं. And all religions are claiming to be the truth. और हर एक धर्म इसी बात का दावा करता है कि वो सच है. So instead of being comforted, he is more confused. और इसलिए कि वो सद्भावना पाए, वो और भौचक्का या परेशान हो जाता है. But my friends, the truth is. लेकिन मेरे मित्रों, सच्चाई ये है. You get more confused than convinced. आप और ज्यादा भौचक्के और परेशान हो जाते हैं इसकी बजाय कि और ज्यादा कायल और विश्वास करें. So what do you do? तो आप क्या करेंगे? You give up. आप हार मान लेते हैं. And divert your attention to temporary enjoyment of pleasures. और इसलिए आप अपने ध्यान को जो अस्थाई आनंद की बातें हैं, लोभ की बातें हैं, उनकी ओर लगा लेते हैं. And indulge in all kinds of pleasures of this life. और इस जीवन के हर एक प्रकार के लोभ विलासाओं में आप लग जाते हैं. And thus you forget
your greatest need. और इसके द्वारा आप अपनी सबसे बड़ी जरूरत को भूल जाते हैं. And what is that? और वो क्या है? To know why you are here. तो ये जानना कि आप क्यों आज यहाँ इस पर हैं. Where are you now? आप कहाँ पर हैं? You are not in any other planet or in a star or anything another universe. आप किसी दूसरे ग्रह, किसी दूसरे ब्रह्मांड, किसी दूसरे सितारे पर नहीं. You are on planet Earth. लेकिन आप तो पृथ्वी ग्रह पर हैं. And there is an answer, my friend. और यहाँ पर एक उत्तर है मेरे मित्रों. The wise men from the east have seen a star. और जो बुद्धिमान व्यक्ति थे, जो ईस्ट से या उत्तर पश्चिम दिशा से आते थे. That star led them to Bethlehem and brought them to where Christ was born. उस सितारे ने उनका मार्गदर्शन किया और उन्हें बेथलहम नगर की ओर ले आया जहां यीशु का जन्म हुआ. And they understood the meaning of the star and they came to worship him. और वो सितारे का मतलब समझ गए और वो पहुंचे उस बेथलहम नगर में ताकि उसकी आराधना करने पाए. Now listen to this. और अब इसे सुने. In Christ God clothed himself in the garments of humanity. प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर ने मनुष्य के वस्त्रों में खुद को ढाल लिया. And made the supreme revelation. और एक सबसे बड़ा प्रकाशन हमें दिया. Revelation of who and what God truly is. और इस बात का प्रकाशन कि सत्य में परमेश्वर कौन है और वो कैसा है. Jesus said, यीशु ने कहा, He who has seen me has seen the Father. कि जिसने मुझे देख लिया उसने पिता को भी देख लिया. Therefore, why did he come? और इसलिए वो क्यों आया? As a revelation to what God truly is. एक प्रकाशन के रूप में कि परमेश्वर सच में कैसा है. And so when you know this Jesus, और जब आप इस यीशु को जानते हैं, you will know God. तब आप परमेश्वर को भी जानेंगे. And what is his nature? और उसका स्वभाव कैसा है? Watch Jesus. ओह, यीशु को देखें. What kind of nature you see in him? यीशु के अंदर आप कैसा स्वभाव देखते हैं? That's what God is. और वैसा ही स्वभाव परमेश्वर के पास भी है. At the end of his earthly ministry, और उसकी पृथ्वी की जो सेवकाई थी उसके अंत में, Jesus said, यीशु ने कहा, He who has seen me has seen the Father. जिसने मुझे देख लिया उसने पिता को भी देख लिया है. You seen whom? किसको देख लिया? Seen God. परमेश्वर को देख लिया. So Jesus Christ came as a revelation of God. और इसलिए प्रभु यीशु मसीह आया परमेश्वर पिता का प्रकाशन के रूप में. The wise men saw God in Jesus. और उन बुद्धिजीवियों ने भी प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर को देखा. And the Bible says. और वचन बताता है. They were traveled from the east. कि वो पूरब की ओर से आते थे. How many weeks and months they traveled on horses or on camels, we don't know. और कितने हफ्ते उन्होंने घोड़ों पर या उन ऊँटों पर सवारी करी, यात्रा करी, हमें नहीं पता. And the wise men saw God in Jesus. और उन बुद्धिजीवियों ने प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर को देखा. God now in the form of a human child. और परमेश्वर जो अब एक बच्चे के रूप में देहधारी होकर इस पृथ्वी पर आया. It is amazing. और ये अद्भुत है. That who was born in Bethlehem. कि कौन या किसका जन्म हुआ उस बेथलहम. In the form of a human being. और एक मनुष्य के रूप में. Is actually God the creator. ये तो परमेश्वर है जिसने हर एक बात की सृष्टि करी. One song writer said. और एक गीतकार इस प्रकार कहते हैं. So he's talking to Mary. और वो मरियम से बात कर रहे हैं. Mary, did you know who this child is? और वो गीत इस प्रकार कहता है कि मरियम, क्या तू जानती है कि तेरा बेटा कौन है? And one line says. और एक गीत की एक पंक्ति इस प्रकार कहती है. When you kissed his cheeks. जब तू उसके गालों को छूमती है. You have kissed the face of God. तब तूने उस परमेश्वर के चेहरे को चूम लिया. हालेलुया. हालेलुया.
God now in the form of a human child. और परमेश्वर एक मानवीय बच्चे के रूप में देहधारी होकर पृथ्वी पर आए. I want you to notice one thing. मैं चाहता हूँ कि आप एक बात पर ध्यान लगाएं. They did not worship Mary. और उन्होंने मरियम की आराधना नहीं करी. She was the mother. और वो तो माता थी उस यीशु की. They worshipped him. और उन्होंने तो यीशु की आराधना करी. They did not offer any present to Mary. और मरियम को कोई तोहफा नहीं दिया. But they have given and presented him with their gifts. लेकिन अपने सारे तोहफों को उठाकर यीशु को उन्होंने समर्पित. Therefore. और इसलिए. Know Jesus Christ. आप यीशु को जाने. You will know what God is like. तब आप जान पाएंगे कि परमेश्वर कैसा है. Worship him. उसकी आराधना करें. And be holy. और पवित्र बन जाएं. For you will be what you worship. और क्योंकि आप वैसे होंगे जैसी आराधना आप करेंगे. He is holy. और वो तो पवित्र है. He is almighty. और वो सर्वशक्तिमान है. He is righteous. और वो धर्मी है. He is just and eternal. और वो तो न्यायी और अनंत काल का परमेश्वर है. He is immortal and invisible. और वो मरने वालों में से नहीं और अदृश्य है. Therefore when you worship him. और इसलिए जब आप उसकी आराधना करते हैं. You are worshiping the one true God. आप उस एक सत्य परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं. That is a revelation. ये है वो प्रकाशन. He who has seen me has seen God, my Father. जिसने मुझे देख लिया, उसने परमेश्वर को देख लिया. Amen. Amen. And as you begin your day today, जैसे कि आज के दिन की शुरुआत आप करते हैं, you remember in whose presence you live. आप इस बात को याद रखिए कि किसकी उपस्थिति में आप हैं. You live in the presence of God Almighty. आप परमेश्वर सर्वशक्तिमान की उपस्थिति. When you call on Jesus, जब आप यीशु को पुकारते हैं, you are calling on God Almighty. तब आप परमेश्वर सर्वशक्तिमान को पुकारते हैं. And God said, और परमेश्वर कहता है, draw near to me. कि मेरे निकट आ जाओ. I will draw near to you. और मैं तुम्हारे निकट आऊं. Call on me. मुझे पुकारो. And I will answer you. तब मैं उत्तर दूंगा. So my friends, as you begin this day. और इसलिए मेरे मित्र, जब आप इस दिन की शुरुआत करते हैं. Take Jesus with you. यीशु को अपने साथ ले जाएं. Take the name of Jesus wherever you go. यीशु के नाम को अपने संग ले जाए जहां कहीं भी आप जाएं. May the Holy Spirit helps you. पवित्र आत्मा आपकी सहायता. Amen. Amen. Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, thank you for this revelation you have sent to us. धन्यवाद इस प्रकाशन के लिए जो तूने हमें भेजा है. For God so loved the world that he gave his one and only begotten son. कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र. So when you send your son Jesus, कि जब तू अपने पुत्र को भेजा, you were actually sending a revelation of yourself. तब तू सत्य में अपना एक प्रकाशन हमारे लिए भेजा. So may we make all our efforts to know Jesus. और होने दे हम अपना हर एक प्रयत्न करें कि हम यीशु को जानें. By knowing Jesus. और यीशु को जानने के द्वारा. We will know God. हम इस बात को जानते हैं कि हम तुझे जानने. Thank you. धन्यवाद. For the Holy Spirit who reveals and who makes Jesus precious to us. जो पवित्र आत्मा तूने हमें दिया, जो यीशु को हमें प्रकट करता है और यीशु को हमारे लिए बहुमूल्य बनाता है. Thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर. In Jesus' name. यीशु के नाम. Amen. Have a great day. एक अच्छा दिन आपका बीते. This is a wonderful day. और एक अद्भुत दिन है. Don't miss any opportunity to glorify him. और एक भी मौके को आप छोड़े ना जो परमेश्वर की महिमा के लिए. Amen. Amen.